तो मेरे साथ अर्जुन बिजलानी हैं, जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे, इनके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत सरप्राइजिंग है और फैंस काफी खुश हैं उसे जानने के बाद। बट उससे पहले मैं अर्जुन से जानना चाहूंगी कि आपकी तबीयत कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। बहुत बेटर है, आई एम फिट एंड फाइन नाउ, एब्सोल्युटली एज गुड एज न्यू। जैसे नए साल में नई शुरुआत जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसे मैं एकदम फ्रेश हूँ। टोटली डिटॉक्स्ड इन 10 days। सिर्फ खा रहा हूँ हेल्दी, पी रहा हूँ हेल्दी, कुछ नथिंग डूइंग। सो आई थिंक आई एम रेडी टू यू नो स्टार्ट द ईयर विद अ बैंग। एंड आज मैंने टेस्ट करवाया है सुबह, लेट्स होप वो नेगेटिव आ जाए तो एटलीस्ट मैं अपने घर में घूम पाऊंगा। अभी तो कमरे में हूँ। वैसे जो नॉर्मल वाला टेस्ट था, जो रैपिड टेस्ट होता है वो तो नेगेटिव आ गया है। अरे तो लेट्स होप कि RT-PCR भी नेगेटिव आ जाए। बिल्कुल होपफुली आ ही जाएगा। आप इतने अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो और खुद को पैक करके आपने सारे प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, तो होपफुली आ ही जाना चाहिए। और रैपिड आ गया है तो आई एम श्योर वो भी आ जाएगा। और बताइए कैसा रहा आपका 5 दिन? 5 दिन 10 दिन जो नहीं, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10 दिन, हाँ 10 दिन हो गए। 21 को आई वाज नॉट वेल, 21st till now, तो ऑलमोस्ट लाइक मतलब आज 10 दिन हो जाएंगे। एंड बस ठीक हूँ यार। आई एम जस्ट बिन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। फर्स्ट 2-3 days वर लिटिल यू नो डिफिकल्ट, बट आई एम फाइन नाउ। एंड मैं आई एम हैप्पी कि इसी टाइम पे होके निकल गया जल्दी जल्दी में। मतलब काम के बीच में नहीं हुआ या साल की शुरुआत में नहीं हुआ, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो ज्यादा इरिटेट करता या ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहता। आई थिंक आई फिनिश्ड ऑल माय कमिटमेंट्स फॉर द ईयर एंड आई वाज टोटली गोइंग टू गो ऑन अ हॉलीडे और उसके बीच में ये हो गया। सो ठीक है, हॉलीडे वो हो गया, लेकिन आई एम हैप्पी कि इट्स डन विद नाउ, एटलीस्ट आई एम डन विद इट। आपको लगता है थोड़ा स्ट्रेस कम है पहले से? जब स्टार्टिंग में किसी को कोविड होता था तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस। या बिकॉज ये वेरिएंट उतना वो नहीं है, कंटेजियस बहुत है, बट इतना वो कहते हैं कि इट्स नॉट फेटल, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल वायरल, थोड़ा बॉडी पेन, फीवर और वो आता है, देन 2-3 days यू आर फाइन। तो उस वजह से तो ठीक है। एंड अभी सब लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं, तो एक तरीके से सब लोग सुरक्षित हैं उस यू नो दायरे से अगर सोचा जाए तो। एंड अभी एक तरीके से वी रेडी, यू नो मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं अब सब लोग। पहले तो इट वाज एवरीथिंग इज टू बी लाइक अ न्यू थिंग, और जिस तरीके से उसके बारे में नॉलेज कम थी चीजों के बारे में, तो डर ज्यादा था। अब क्या है, सबने देख लिया 2 साल में कि कोविड कैसा है, क्या उसका इफेक्ट है और ओमिक्रॉन का क्या इफेक्ट है और क्या कर रहा है। So I think you are more prepared than before. घर में क्या माहौल है, कितना मिस कर रहे हैं कमरे में बंद होके? जैसा आपने भी मेंशन किया कि घर में घूम पाऊंगा, मतलब आप badly miss कर रहे हैं। Of course miss कर रहा हूँ। My son keeps knocking. He says when are you going to come out, and Neha also is kind of you know बोर हो गई है बेचारी। बिकॉज काफ़ी सारे हमारे प्लान्स होते हैं हर साल न्यू ईयर के टाइम, और इस वक्त वो यू नो चाहती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और यू नो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। सो आई थिंक इन अ डे और 2 इट्स गोइंग टू हैपन एनीवे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा ख़त्म। एंड yes we'll start the year with a bang with all of us together. I think that's what really matters. गोवा में हो या घर में हो, है तो साथ में। बिल्कुल वो मैटर करता है कि आप सब साथ में हैं। वो बहुत साथ में है। Yeah. तो दिन भर में कितने वीडियो कॉल्स हो जाते हैं? ज्यादा नहीं यार, I've just been relaxing really, not been doing too many video calls or anything. एक बार मैं लाइव गया था बस, और 1-2 दोस्तों से बात की वीडियो कॉल पे। एंड अदरवाइज आई हैव जस्ट बीन रेस्टिंग, थोड़ा बुक्स पढ़ लेता हूँ, वॉच सम मूवीज, शोज। काफ़ी सारे शोज देख लिए मैंने वैसे, काफ़ी सारे देख लिए। एंड मेरा घर भी तैयार हो रहा है नया वाला, तो उसके इंटीरियर्स थोड़ा वो सब देखता रहता हूँ। स्पीक टू माई इंटीरियर डिजाइनर्स एंड फिगर आउट की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है घर का नए, एंड things like these. I'm just keeping myself busy basically because मैं ऐसे idle तो नहीं बैठ सकता. मतलब I just cannot sit idle. I have to do something or the other, even if I'm sick. Yeah, I can't just sit idle. To that, okay. So अभी तो हम देख रहे हैं कि रोज नए reports आ रहे हैं कि कितने सारे नए cases आए. You know, कुछ नहीं आ रहे. मैं बता रहा हूँ. मतलब जो actual numbers हैं उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है numbers because hardly anybody is testing. सबको एक एक दिन दो दिन बुखार आ रहा है, सबको लग रहा है नॉर्मल वायरल है और फिर वो बाहर निकल जाते हैं और फिर वो और लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं. आई थिंक एयरपोर्ट्स पे थोड़ा अभी टेस्टिंग थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए सबकी, तभी पता चलेगा एक्चुअल नंबर्स क्या हैं. और यू नो पीपल शुड टेस्ट देमसेल्फ, थोड़ा भी अगर सिम्टम्स आता है, रादर देन सोच के कि अरे 2 दिन में खत्म हो जाएगा. इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट स्प्रेड इट, दैट्स द होल थिंग. एंड प्लीज अभी तो न्यू ईयर का टाइम है तो आपको पता ही है, सब जो लोग हॉलीडे पे गए हैं या जो ट्रैवल कर रहे हैं या सब तो मास्क कहाँ ही पहनेंगे, बिकॉज 2 ड्रिंक के बाद सब भूल ही जाते हैं मास्क. ना ड्रिंक के बाद पहले भी नहीं कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि पता है, सब कुछ देख चुके हैं कि सेकंड वेव में क्या हुआ, किसी को फ्रस्ट्रेट हो गई है पब्लिक. वो बोल रही है कितना ये कब खत्म होगा. एंड यू नो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो कि जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है फिर से यार एक नया चीज शुरू हो जाता है. और ऐसे टाइम पे होता है जब त्योहार का टाइम होता है या न्यू ईयर होता है या ऐसा कुछ होता है, सेलिब्रेशन जहाँ होता है, तभी एक स्केयर यू नो बन जाता है. बट इट इज रियल, यू हैव टू फेस इट एंड यू गॉट टू बी केयरफुल यार. For your elderly, for your parents, for your children, you have to just be careful. अभी 2 हफ्तों में अगर मैं देखूँ ना तो टेलीविजन इंडस्ट्री और बॉलीवुड से बहुत सारे, मतलब टेलीविजन से तो एक आपका आया, फिर नकुल का आया. नकुल का भी मैं इंस्टा देख रही थी, बस चैटिंग विद हिज सन वाइफ, पूरा वीडियो कॉल के सब फोटोज डाले हुए. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मिस करते हैं एक कमरे में बैठ के अपने फैमिली को लोग, स्पेशली जब घर में बच्चा होता है तब तो कुछ ज्यादा ही मिस करते हैं. आई हैव किड्स सो आई नो. Then I mean, see, I think, I don't know how much youngsters feel this, but me, you know, being, you know, a father, मुझे ऐसा लगता है कि everything is family, you know. And even when I wasn't a father, मुझे यही लगता था कि यार परिवार और दोस्त जो होते हैं वही तो हैं जिंदगी में, और क्या होता है. I think as long as you have them. And they are around you, they are with you. Life is good, life is happy. काम ऊपर नीचे चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा. All this keeps happening, but what really matters is being kind, being around your loved ones. You know, spending that quality time with them. I think यही matter करता है. Eventually, doesn't matter materialistic चीजें इतनी matter really नहीं करती. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो लोग पार्टीज मना रहे हैं, बॉलीवुड और टीवी भी मैं देख रही हूँ कि आई मीन पार्टीज कम नहीं हो रही है, न्यू ईयर परफॉर्मेंस के लिए लोग जा रहे हैं. और बहुत सारी आपको लगता है कि बिकॉज यू नो यू हैव फैंस, लाइक आप लोग के फैंस होते हैं जो आपको फॉलो करते हैं. अगर आपने एक रेड कलर की टी शर्ट पहनी तो ओ अर्जुन ने टी शर्ट ये पहनी, मुझे भी पहनना है, तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो इस टाइम पे स्पेशली हमें कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. आई थिंक यू नो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यार एक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, यू नो. और खास करके बॉलीवुड या टेलीविजन बोल लो, या मैं तो एक्टर्स ही मानता हूँ, मैं बॉलीवुड टेलीविजन ये सब मानता ही नहीं हूँ. अगर एक्टर्स को देखा जाए वो हमेशा बेचारे स्क्रूटनी में ही रहते हैं कि कुछ हो जाए तो भैया पहले एक्टर क्या कर रहा है वो देख लो. जैसे कि मतलब वो वरदान लेके पैदा हुआ था कि या जब एक्टर बना था तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सबके साथ में कि भैया मैं सारे रूल फॉलो करूंगा बाकी कोई करे ना करे. सो आई थिंक इट्स अ लिटिल अनफेयर एंड एट द सेम टाइम आई फील दैट वन हैज टू बी रिस्पांसिबल आल्सो, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो. बट उसके भी अपने एक दायरा होता है, मतलब अगर एक्टर से भी गलतियां हो सकती है, इज व्हाट माय पॉइंट इज कि उसको ऑब्वियसली एक रोल मॉडल की तरह हर चीज कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग मतलब अकेले में वो जो मर्जी अपने लाइफ में करे, लेकिन जब पब्लिकली वो रहें तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें. बट मतलब कुछ चीजें ऐसी है ना जो उस वक्त सामने वाले को शायद इर्रिस्पॉन्सिबल लगे, लेकिन उस वक्त इंसान को लगे कि नहीं मैं बिल्कुल सही था, बिकॉज सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से रिएक्शंस इमीडिएट है कि कुछ हुआ तुरंत एक रिएक्शन आ गया। नोबडी इज थिंकिंग कि एक्चुअली वहां क्या हुआ होगा या क्या सिचुएशन है, ये कब हुआ नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन पहले आ गया, यू नो। सो अगर आप आज मैं एक वीडियो डाल दूं, मान लो मैं 2 साल पहले की भी डाल दूं, लेकिन उसमें रिएक्शन तुरंत वाला आ जाएगा कि अभी का है, अभी का है। पीपल डोंट इवन नो कब का है, उसका कुछ एक वो नहीं हुआ है, एनालाइज नहीं हुआ है कुछ भी, या उसको कंफर्म नहीं किया गया है कि कब का है क्या है, बट पीपल विल रिएक्ट टू इट। सो दैट्स व्हाट लाइफ ऑफ एन एक्टर इज, और इवन फॉर अ मैटर अ पॉलिटिशियन या फॉर एनीबॉडी हू इज अ पब्लिक फिगर, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाय हैविंग सेड दैट, आई फील अभी जो सिचुएशन चल रही है, आई थिंक वन मस्ट जस्ट बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो 10 लोग मास्क नहीं पहनेंगे, मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो मैं 10 लोगों को दे सकता हूँ या 10 लोग मुझे दे सकते हैं। सो दैट इज द mindset that one needs to have to protect yourself and your family rather than being a role model and you know making sure कि 10 लोग और पहन रहे हैं मास्क। दिखावे के लिए फिर क्या ही करना। It's important that you exactly। और किसे पता था कि ये जो 2 दिन में जो केसेस बढ़े हैं, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ऑनेस्टली बताऊं तो हम लोग मुंबई में इतने पूरे कोविड हम रहे हैं, लेकिन अरे ये तो अभी अवेयरनेस इतनी है, जब अभी तो अवेयरनेस इतनी है, जब मैं मतलब मुझे तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये इतना ज्यादा कंटेजियस है या क्या। मुझे तो कब हुआ मुझे पता भी नहीं चला, यू नो, बट आई फेल्ट सिक एंड आई इमीडिएटली गॉट माय सेल्फ टेस्टेड कि एटलीस्ट मैं अगर बीमार हूँ कि मैं टेस्ट तो कर लूँ, बिकॉज बात तो चल रही है वायरस की और हो सकता है, जबकि हार्डली 50 केस भी नहीं थे जब मैं पॉजिटिव हुआ था आज से 10 दिन पहले, या अभी 4-5 दिन में बहुत फ्लेयर अप हो गया। लेकिन जब मुझे हुआ था तब मैंने इमीडिएटली टेस्ट करा, आई वाज पॉजिटिव एंड देन आई मेड श्योर कि मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूं ताकि लोग अवेयर रहे कि यू नो इट इज कंटेजियस एंड पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। सो आई होप मेरे डालने से कुछ लोग यू नो अवेयर हुए होंगे या इस न्यूज से अवेयर हुए होंगे, or you know a lot of people must have you know started you know what do you mean covid appropriate behavior करना शुरू किया होगा उन्होंने, and it's very important right now। चलिए, आपका RT-PCR गया है टेस्ट होने के लिए, एंड आई एम श्योर कि वो शाम तक पॉजिटिव नहीं आएगा। मैं तो वही यार नहीं आएगा। ये सब हो गया साइड में, मैं अपना भुगत चुका हूँ, मेरा हो गया, मैं अब इस चीज से निकल चुका हूँ, एटलीस्ट फॉर सम टाइम नाउ। आई वोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड आई कैन ओनली टेल पीपल कि भाई बी केयरफुल, बाकी मर्जी है आपकी, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि इट इज वेरी 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 कंटेजियस। वेरी कंटेजियस मतलब 10 गुना 20 गुना ज्यादा कंटेजियस है। तो अगर आपको है तो आप इजीली, आप अगर आप 10 लोगों को मिल रहे हो तो 10 के 10 को दे दोगे, ये इतना कंटेजियस है, और वो 10 पता नहीं कितने। सो दैट्स हाउ इट्स स्प्रेडिंग सो फास्ट, इट्स बिकॉज इट्स सुपर कंटेजियस। वो कहते हैं मीजल्स जितना कंटेजियस है। सो टू ईच इज ओन, एंड आई थिंक वन शुड जस्ट बी केयरफुल। अभी बहुत सारे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो भगवान ही जाने क्या क्या होने वाला है। And I just hope that everybody, you know, is you know in the COVID appropriate behavior, at least mask पहन के, अगर मतलब तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गए तो प्लीज मास्क पहनिए और सैनिटाइज करिए, हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दैट्स ऑल आई कैन से।